गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फुटप्रिंट्स। दिस इज रिचा शर्मा एंड दिस इज श्रुति सिन्हा। तो आज हमारी मुलाकात बहुत टाइम बाद हो रही है, राइट? टुडे वी आर हियर फॉर अवर सेकंड इंटरव्यू सेशन एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज इंस्पिरेशन ऑफ मेनी, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड रोडीज एक्सट्रीम फाइनलिस्ट निष्कर्ष अरोड़ा। आपका नाम श्रुति सिन्हा है, योर डिजिटल शॉट हुआ टू ऑफ माय को कंटेस्टेंट, तो मतलब फैमिली लग रही है यहां पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। थैंक्स फॉर कमिंग। तो निष्कर्ष, मेरा पहला क्वेश्चन है, रोडीज की जर्नी ने आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया? टू बी ऑनेस्ट, रोडीज की जो जर्नी होती है उसमें जो एक्सपीरियंस है वही एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। बट इन एक्चुअल लाइफ उस एक महीने के शूट के बाद वी गेट टू आवर नॉर्मल लाइफ्स। मैं अपना वही बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ, आई स्टिल ट्रेन एवरी डे लाइक 8 hours, सो मेंटली यू ग्रो अ लॉट बट डेली रूटीन इट स्टेज द सेम। सो बहुत ज्यादा आपको मिस कर दोगे आप अपनी जर्नी को स्टार्टिंग में जब आप आए? जो 30 डेज का कंटीन्यूअस शूट था, वी आर परफॉर्मिंग, वी आर डूइंग वोट आउट एंड आई रीच द फिनाले, सो मेरे लिए वो 30 दिन की बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। उसके बाद वापस एकदम लाइफ स्लो हो जाती है। लाइक इन रोडीज वैली और एट रोडीज 18 आवर्स एक एक सेकंड आपको याद रहते हैं, उसके बाद लाइफ स्लो हो जाती है। हाँ, बट कुछ टाइम लगता है, बट वी एडजस्ट इन आवर नॉर्मल लाइफ। तो जब आप रोडीज के ऑडिशंस के लिए गए थे तब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? नहीं किया था, मैं बचपन से जिम्नास्टिक्स और ये चीजें कर रहा था। रोडीज में मेरे को बस एक फियर था कि मेरे को जीडी राउंड मेरे क्लियर हो जाए, बिकॉज जीडी वो राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे बातें ज्यादा करनी होती है और अपना कोई स्किल नहीं दिखा सकते। पर्सनल इंटरव्यू राउंड, वहाँ पे मैं बहुत ही काम होके गया था कि यू नो आई हैव टाइम कि मैं अपने टैलेंट दिखा सकता हूँ। उससे पहले नर्वस था, पर टीआई के बाद बिल्कुल सॉर्टेड। बट जब आप गैंग लीडर से मिले, स्पेशली रणवीर सर, सो कैसी फीलिंग थी? एक्चुअली अपने स्किल्स को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पर स्टार्स को देखकर मैं स्टार स्ट्रक हो चुका था। तभी जो वो मेरी इनोसेंट साइड थी, जब उन्होंने पूछा कि आप किसकी गैंग में जाना चाहते हो, बिना सोचे आई जस्ट टुक निखिल्स नेम एंड तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, बट इट वाज अ स्टार स्ट्रक थ्रू आउट। अब एक ट्रेन डांसर हैं, कैलिस्थेनिक एथलीट एंड एक एंटरप्रेन्योर एंड अभी हमने देखा कुजीज का, तो हाउ डू यू गेट द टाइम? एक्चुअली आई कैन टॉक अबाउट इट एंटायर डे। मेरी एक फिलॉसफी है टाइम मैनेजमेंट की, इन विच आई काउंट एवरी आवर एंड एवरी मिनट। अगर आपके दिन में 24 घंटे हैं और आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, add 2 hours in travel and food, you still have somewhere around 16 hours. I wake up, मैं अपना 4 घंटे calisthenics training करता हूँ, then अपने dad के साथ office में जाके अपना business 8 घंटे करता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास 3-4 घंटे हैं। Like the life we are living right now, the social media and all that, we don't even realize कि हम अपना internet पे कितना time, I won't say use, we actually waste it. अगर हम उसको shut down करते हैं या limit करते हैं, we'll get a lot of time to do a hell lot of stuff. So, abhi main socially active nahi hu. So there's difference between using and overusing and misusing. So I am socially active on my social media, but I know this is my limit. And iske aage, I make sure ki main technology ko thoda door rakhu. And produce mein main dekha ki aap teen gangs mein rehte hain. Pehle hum Nikhil ji ka gang mein rehte hain, Neha Bhutia ki gang mein. सबसे अच्छा तो वैसे निखिल चिनप्पा ने किया था, जो एक दिन उनकी गैंग में रहा, उन्होंने जो मेरा दिल तोड़ा था, बट समवेयर उनका भी अपना एक रीजन था। मजा मुझे सबसे ज्यादा वैसे प्रिंस सर की गैंग में आया था, बिकॉज उस बंदे में जो एनर्जी है टास्क से पहले, मतलब आई एम ऑल्सो अ परफॉर्मर एंड ही इज अ परफॉर्मर। मजा मेरे को प्रिंस की गैंग में आया था, बट सीखने को मुझे हर गैंग में बहुत ही ज्यादा मिला। अलग-अलग एक्सपीरियंस, बहुत अलग है, क्रेजी एक्सपीरियंस। आपके क्लोजेस्ट गैंग लीडर कौन थे, निखिल सर या प्रिंस सर? सबसे ज्यादा टाइम मैंने नेहा मैम के साथ स्पेंड किया, तो शायद वो क्लोज थी, बट आफ्टर द शो आई हैव सीन लाइक नेहा मैम की भी शादी हो गई है, देन प्रिंस सर की भी शादी हो गई है। निखिल सर से बहुत मेरी कनेक्ट है, जब भी मैं मुंबई जाता हूं वी मेक श्योर कि वी मीट। सो व्हाट्स योर फिटनेस मंत्र? I have a very unique fitness mantra. Do something engaging, जिसमें आप fitness का सोच भी नहीं रहे और आप at the same time आप fit हो. So I do rock climbing as well. When I do rock climbing,
I'm just enjoying myself, and as a byproduct, I get the body and the strength. So I'm doing something just where I'm enjoying it and my fitness is also feeling. Do not ever chase a hyper goal just where you have to reduce 6 months mein ye belly fat. Reduce karna. Do something in fitness you enjoy. Be it dance, Zumba, and just be fit physically and mentally. That's mental my peace. Mental peace is. Girl. I'll tell you a secret behind fitness. So fitness is mental and physical. You'll see a lot of people who have six-pack abs, but they are constantly, yaar, mereko boiled chicken khana pad raha hai, mujhe ye nahi khana pad raha, ye man hai, ye nahi kha pa rahe. So it's a mental, they're in stress. Ki mereko eight-pack abs banane hai, mereko apne abs maintain karne hai, to mujhe chawal, mujhe pani chhodna pad raha hai. So I don't think, maybe wo kisi cheez ko chase kar rahe hai. I have nothing to say. But is it truly a healthy life when you are avoiding water? So that's one thing. Take it easy, guys. Just chill. And as we all know, you are quite multi-talented. So, any inspiration? मेरी हर रोज एक नई inspiration बनती है. And not exactly कोई famous personality होगा. When I starting से जो हमारे घर में maid आती है, see कि वो कितना काम कर रही है. मैं नीचे जा रहा हूँ तो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं. You call me multi-talented, but to be honest, जब भी मुझे कोई time मिलता है, I make sure I try something new. मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड है वो पियानो प्ले करता है एंड आई फाउंड कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एक घंटा है सो आई वेंट मैंने कहा मेरे को पियानो सिखा दो दिस सो मच टू डू एंड आई एम ब्लेस कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ यहाँ पे हर जगह कोई ना कोई लोग टैलेंट है सो दैट्स वन थिंग कीप एक्सप्लोरिंग सो यू लव लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग आई लव डूइंग न्यू स्टफ मैं अगर मेरे को 15 दिन में कोई न्यू हॉबी ना मिले तो मेरे को सैडनेस आ जाती है So I recently started doing slacklining. It's also a new sport in which you walk on a 1-inch line. It's adventurous stuff. I did that. I'm still doing that. With that, I found out time ki main piano bhi play kar lu. Ab let's see next kya milta mere ko. Let's hear rapid fire round. Okay. हम आपको कुछ आपके ex contestants के name बताएंगे and we have to define them with hashtags. Hashtags. Okay. Yeah. Okay. So first is Sandy Saha. Full on entertainment. Surbhi Rana. Hashtag Dil ki sachi. Moose is straightforward. Shruti Sinha. Cute, good dancer and focus. Sonu Jatt. Too much strength, more than necessary. Preeti Verma. I just wish ki mere pe kabhi wo GST ki raid na mare, but hashtag good friend. Magdeep Singh. Savior. He's a savior. He saved me on Rudy, so hashtag savior. Mini Ruila. Mini is smart. Mini is very smart. Hashtag smart. Abhishek Dubey. Rock star. I was just with him. Yeah, he's a rock star. I even guest appearance in his recent music cover of Too Zaruri Nahi. So yeah, he's a rock star. अभी आपने कहा महकदीप सिंह इज योर सेवियर बट जब आपको स्विच किया गया आपको महकदीप सिंह से ही तो डू यू हैव एनी ग्रजेस फॉर हिम एक्चुअली जो वो एक मोमेंट था और निखिल सर के गैंग में मैं बहुत टाइम से आना चाहता था एक्चुअल में मुझे महक से गुस्सा होना चाहिए था बट महक इफ यू सीन हिज ऑडिशन उसका बहुत एक खुशी वाला कैरेक्टर है लाइक इन नेचुरल लाइफ उसने ऐसा नहीं मेरे को दिया एक आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ उस वे में कि मैंने उसको वोट इन नहीं किया था पर जब वो मेरे पास आया तो उसने मेरे को याद है कोई जोक मारा था कि मैं भी हंस पा रहा था उस टाइम तो दैट्स वन थिंग कि आई शुड हैव बीन एंग्री कि सर ऐसा क्यों किया बट महक था तो कोई हमारे बीच में कोई क्लैश आया नहीं तो या स्टिल अ स्टेबल सो अपार्ट फ्रॉम कैलिस्थेनिक्स एंड डांस आपकी हॉबीज तो बिजनेस इज माय प्रोफेशन देन आई हैव कैलिस्थेनिक्स Dancing, rock climbing, slacklining, recently a piano player, and then still exploring myself. Yeah. So, what is your future? Entrepreneur or sports? So, a lot of my close friends do this, but my main thing is business, which is Lucy's ice cream. Because I have realized to be able to, like, when we are young, we fantasize about stuff that we want to do this, we want to do that. Practically,
you need some amount of money. Mm-hmm. Financial status is important to some extent. My main priority is my business, so that I can be financially stable. Then I'll follow all my dreams, travel the world and all that. So roadies में जैसे हमने देखा auditions थे आपका भी nervous थे GD round and उसके बाद आप finals में पहुँचे finalist बने तो बीच में बहुत सारे struggles आए आप तीन gangs में switch किया आपने and at the end जब आप finalist बने तो वो feeling कैसी थी? Feeling बहुत लोगों को अच्छी आती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी reason being बहुत कम लोग होते हैं जो innocently without any politics पहुंच पाते हैं and trust me vote out के time I used to eat dinner मुझे नहीं पता चल रहा जब planning हो रही थी so for me reaching final was crazy and लोगों ने expect नहीं किया था because generally Rudy's is a place जहाँ politics चल रही है कुछ लड़ाई and I was like I'm eating my food I'm so finals में पहुंचना there was this one task that was my decider point to be able to reach to finale which was my fight with Sharan in which I had yeah so अगर वो वाला मेरा task ना होता तो शायद मैं final में ना पहुंच पाता so without any politics just performing task and winning it that's my reason of being in finale and I appreciate that about myself कि मुझे वो सब चीजें नहीं करनी पड़ी जो मैं आगे जाके regret करता तो कभी आपने सोचा था without planning and plotting आप पहुंच पाएंगे To be honest, मैं अपने business के लिए prepare कर रहा था जब Rudy's की journey आ गई and I had to take a leave. मैं सोच के गया था 30 दिन की journey है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ जो होगा देखा जाएगा हो सकता है 10 दिन में वापस आ जाऊँ but मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं finals तक पहुँचूँगा but good hard work and good people around. So हमारे जो aspiring Rudy's हैं जो youth हैं आप उनके लिए कैसा क्या message देना चाहेंगे ताकि वो आगे जाके inspire One very important thing जो मैंने realize की क्योंकि ये एक reality show है लोगों को लगता है कुछ script होगा या हमें ऐसा अपने आप को portray करना होगा कि जैसे वो लड़की या ये लड़का इतना लड़ा था तो हमें भी लड़ना होगा guys be yourself but be interesting enough I've seen a lot of people जो अपने forms में कुछ भी डाल देते हैं so I'll tell you the secret of cracking a Rudy's GD You have to be honest in your form, but at the same time interesting. Like अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप में ऐसा क्या खास जो किसी और में नहीं है, don't lie कि मैं ये कर दूँगा, मैं ये फाड़ दूँगा, ये no. And don't just write this I'm a dancer. Make it interesting, but make sure it's about yourself. So that would be my one message for aspiring roadies: be yourself, but express better. Yeah. जो हमारे एस्पायरिंग रोडीज है एंड बहुत कोशिश करते हैं वो मतलब हर साल कोशिश करते हैं बट क्लियर नहीं कर पाते ऑडिशन में तो आप उनके लिए कुछ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे फिजिकली तो लोग आई हैव सीन कि दो महीने पहले शुरू करते हैं कि अभी रोडीज के ऑडिशन आ रहे हैं तो मैं ये नया मूव सीख रही हूँ इफ यू आर नॉट फिट एंटायरली तो वो काम का नहीं है फिजिकली के लिए मेरे ये एडवाइस रहेगी बी अ फिट पर्सन इन जनरल लाइफ And mentally, be very honest and innocent. क्योंकि जो ये लोग हैं, जो judges panel हैं, वो 15 साल से ये काम कर रहे हैं. And मुझे sir, तुम्हें देख के identify कर लेंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम किसी और की तरह बनना चाह रहे हो. इतने rappers आए थे इस बार, जो किसी की accent में गा रहे थे. तो बोला क्यों? So for roadies, mentally be very innocent. तुम जैसे भी हो. आपको क्या लगता है आपके अलावा सबसे इनोसेंट कौन सा मेरे अलावा तो खुशी बहुत इनोसेंट था सो यू गाइस नो खुशी उसको इनिशियल एक सुरभि के साथ जो क्लैश हुआ तो उसकी पूरी इमेज गलत आ रही थी एंड इवन इन द करेंट बट ही इज एक्चुअली अ वेरी नाइस डिसेंट इनोसेंट पर्सन या ओवरऑल रोडीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड आपको उस एक्सपीरियंस से आपने क्या चेंजेस आए रोडीज के एक्सपीरियंस के बारे में एक बात बताना चाहूँगा बहुत लोगों ने वो देखा जो टीवी पे आया पर बहुत लोगों को ये नहीं पता जो ऑफ कैमरा हुआ है दिन का टाइम है यहाँ पे मेरे सारे चारों गैंग लीडर हैं और हम यहाँ सुबह उठते थे हम वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं तो उस टाइम कोई एज सच नेहा धूपिया निखिल चिनप्पा नहीं हम दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था बाकी सारी चीज़ें मैं टीवी पे देखकर याद कर सकता हूँ वो बस एक चीज़ है जो याद बन के रह गई है वो बहुत टाइम में चैलेंज करता हूँ जहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही कोई वोट आउट की टेंशन नहीं दैट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस और
उसके बाद सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं. तो लाइफ का एक्सपीरियंस वॉज जस्ट दैट मेमरी और अपने काम में अपने भी वापस लग गया. रोडीज में हमें वो दिखाया जाता है जो एक्चुअली हो रहा है या फिर कुछ होते हैं. ओके सो एक रोडीज की शूटिंग ऑलमोस्ट एक दिन की 18 घंटे की होती है. बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बहुत सारी होती हैं. और उस 18 घंटे की शूटिंग का जो टीवी पे आएगा वो सिर्फ 40 मिनट्स का होता है. रोडीज कम्प्लीटली रियल है, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है. बट एक 18 घंटे के एक प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में कुछ लोग होते हैं जो बर्स्ट हो ही जाते हैं, मेंटल प्रेशर बहुत होता है. उस 18 घंटे का जो सिर्फ 2-2 मिनट का पूरे दिन का जब 40 मिनट कंपाइल करते हैं तो लोगों को परसेप्शन आता है यार क्या ये सच्ची हुआ, इतना गुस्सा आया होगा. बट उनको नहीं रियलाइज हो रहा कि वो 10 दिन हमारे पास ना फोन है, ना हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, टास्क की फ्रस्ट्रेशन, फिर अपना दोस्त वोट आउट हो गया और उसके बिना रहना पड़ रहा है. उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है. किसी से आप कनेक्ट कर लेते हैं वो चला जाता है. ऑल इज रियल बट सिंस वो सिर्फ 40 मिनट में कंपाइल होता है तो हमें लगता है कि रियल नहीं है. बट एक्चुअली इट्स ऑल रियल. सो गाइस दिस इज निष्कर्ष अरोड़ा एंड आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से काफी इंस्पिरेशन मिली होगी. Thank you a lot, Nishkarsh, for joining us today. It was my pleasure. And I want ki aap hamare channel ki signature line ho jaye. So guys, if you like this video, like, share and subscribe. Aur comments mein bataiye aur kya kya cheeze hain, kin kin logon ko invite karna chahiye. So yeah. Keep supporting us. Thank you. Bye bye.